अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पनी साहब, अब क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था कि हमें चोट पहुंचा के बचाओगी? तो यूं तो हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन तुम्हारे साथ जान जाने किस जन्म का बैर है कि तुम्हें देखते ही खून खौल उठता है हमारा। कुछ तो है तुम में जिससे हमें जलन है, और त्रिशाला किसी से जलती नहीं है। मन करता है तड़पा तड़पा के जान लेने तुम्हारी। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि तुम्हारे गंदे खून के साथ हम अपने हाथ गंदे क्यों करें? सड़ो तुम जिंदगी भर, अब यही सजा है तुम्हारी। लाना जी से सारा ब्याह कदे नहीं होगा। राणा साहब मारे, उनका जन्म मारे से ब्याह करने के लिए हुआ है। त्रिशाला, अबीर, बेटा त्रिशाला कहाँ गई है? वो कमरे में नहीं, और हमने बाथरूम में चेक किया, वो नजर नहीं आती कहीं। अभी अभी तो यहीं थी महाकुम, 5-10 मिनट पहले हमारी आंख लगी, कहाँ जा सकती हो? हम समदन साहब को कॉल करते हैं। हेलो समदन साहब, त्रिशाला है क्या वहाँ आपके साथ? ओ क्या हुआ महाकुम, कहाँ है, पता चला उसका कुछ? वो उस मोचड़ी वाली लड़की से मिलने गई है। मोचड़ी वाली लड़की से? अनीसा, अनीसा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, वरना साथ थारी सगाई क्यों तोड़वाऊंगी? खेल खेलोगी हमारे साथ? बच्चों की नहीं तो? कम्मा गणी भाई साहब, कम्मा गणी बड़ी भाई साहब, आप दोनों को बहुत बड़ी गलती हो गई है। मारी छोरी ने कुछ ना किया है, आज उसका ब्याह है, घर वाले ससुराल के पंच सभी आ चुके हैं, टाइम पे ना पहुंचे ना तो बदनामी हो जाएगी, फिर कोई शादी ना करेगा इससे। आपके हाथ जोड़ू, पाँव पड़ू? नहीं माई, कैसे माफ कर दे इसे? तुम्हारी बेटी ना तो अपनी गलती मान रही है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। इसने हमारे अभिमान को नकारा है। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे हम इसे माफ कर सकते हैं। क्या भाई साहब? इसकी ओर से तुम हमारे पांव पड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगो। इतनी सी बात भाई साहब, आपके लिए तो मैं भाई नहीं। Anyway.
तू ही कहवे है ना कि मान जान से बड़ो होवे, पर मारो मान मारी माई से बड़ा नहीं है। मन ने तन्ने यहां से निकालना है, चुप रहे। नहीं माई, अनीसा, मारी कोई गलती नहीं थी और मैंने थारी थारी मोजरी में कोई बिच्छू ना डाला, पर मैं थारे से माफी मांगूंगी। झुक के नाक रगड़ के ताकि मेरी माई ने थारे सामने झुकना ना पड़े। तो झुको, आपका एड्रेस चाहिए तुम्हें। मारे को माफ कर दो। नाक ने अब तक पाव को छुआ नहीं है। क्या कहा था तूने? अबीर हमारा नहीं, तेरा है। ऐसा त्रिशाला इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक होने नहीं देगी। ऐसा चलिए आप। हाँ, इसकी रिहाई करानी है ना। हाँ, आती हूँ मैं लड़ू। हाँ भाई साहब। अभी सा, अबीर और त्रिशाला की शादी की जिद छोड़ दीजिए। अब तो भरोसा कीजिए, अंगूठियां पहनाने के 1 सेकंड पहले त्रिशाला को बिच्छू ने डस दिया। इसी परिवार की पिछली पीढ़ियों में बिना मिलन के कुंडलियों के 1 शादी की गई थी, कुंवर आदिनाथ सा और सगुना की शादी। आदिनाथ सा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते उसके बाद, और तब से एक शाप सा लगा इस परिवार पे। हर पीढ़ी में बड़े बेटे की जान पे खतरा आता है। निशांत के पिता और मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजेश की जान भी इसी शाप की वजह से गई थी। और अगली पीढ़ी का बड़ा बेटा अबीर है। इस लड़की से इसकी गलती बनवा के किस्सा खत्म करते हैं, वरना त्रिशाला परेशान होती रहेगी। सर, त्रिशाला कहां पर है? वो तो अभी अभी वसुंधरा जी के साथ निकली है। अभी ये केस सॉर्टेड है ना? जी अबीर मना। वो लड़की है कहां अभी? पहले से ही ये शाप उसका पीछा कर रहा है। अबीर की सलामती के लिए इस शादी को रोक दीजिए। अबीर की सलामती की बात कर रहे हैं ना आपको? हम भी वही कह रहे हैं। अबीर की सलामती, उनकी खुशियां, सब कुछ त्रिशाला से जुड़े हुए हैं। वसुंधरा जी की बेटी है त्रिशाला। इतने बड़े घराने में जब हमने शादी की है, सगाई कर रहे हैं, अगर वो रिश्ता हम तोड़ देंगे तो क्या वसुंधरा जी उसे अपनी बेइज्जती नहीं मानेंगी? अगर बेइज्जती मानकर उन्होंने उन्होंने अबीर के साथ कुछ कर दिया तो क्या आप अबीर को खतरे में डालेंगे? नहीं कुंवर साहब, कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हमें यकीन हो गया है कि इन कुंडलियों में जरूर कोई दोष है। लेकिन ये दोष दूर करने के लिए तोड़ भी तो आप ही ढूंढेंगे ना।
इंस्पेक्टर इस लड़की की कलाई से बहुत खून निकल रहा है। सारे क्या हाल करती है इसका। तुम होश में आओ प्लीज। कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? होश में आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आंखें खोलो अपनी। कुंवर साहब, आप जाओ राणा साहब, ये लोग मारे को भी मार देंगे और अगर आप घर है तो आपको भी मार देंगे। थारे को कुछ नहीं होने देंगे, थारे को कुछ होगा ना मारे को कुछ होगा, संभाल लेंगे इन लोगों को। अनुमति होश में आओ, होश में आओ मानीमति, होश में आओ, आंखें खोलो। ओ नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने इसका? इंसान है या नहीं आप लोग? इसने जो भी किया है आप लोग कौन होते से सजा देने वाले? अरे रास्ते से हट जाओ, दूर आओ। रास्ते में तो आप आए हो, पति मर गया इसका, अब इसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। देखते हैं कौन हाथ लगाता है इसे। इन पे वार करने के लिए हमारी तलवार का सामना करना होगा। हम ले जा रहे हैं यहां से, इसे डॉक्टर की जरूरत है। ये जो भी केस है रफा दफा कीजिए। जैसे धड़कन सांसें साथ साथ, आप बिल्कुल मत घबराइए, हमारी माँ हुकुम डॉक्टर है, वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगी। हटिया हमारे रास्ते से। माँ हुकुम यकीन नहीं आता अभी, ये जानते हुए कि इसकी वजह से हमारी ये हालत है, आप इसे यहाँ तक ले आए? शाला आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप और हम साथ में सिर्फ इसकी वजह से। अभी प्लीज, हम जेल गए थे, वहाँ जाके पता चला कि इस मामले में आपका नाम जुड़ा हुआ है और हम आप में आज नहीं आने देना चाहते थे। वहाँ जाके देखा कि इस लड़की के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। हमें बस पता चल जाए कि ये किसने किया, जान ले लेंगे आप उस इंसान की। अगर अबीर को पता चला कि ये सब हमने किया है तो बहुत भड़केंगे, हमें इस मामले को संभालना होगा। आपने ठीक किया आप इसे यहाँ ले आए। माँ हुकुम का है, वो बाहर गए, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर तो बहुत देर हो जाएगी, हम एक काम करते हैं किसी दूसरे डॉक्टर को लेकर आते हैं, तब तक आप इनका ध्यान रख लेंगी? बिल्कुल ठीक है, हम अभी आते हैं। राणा जी से तारा ब्याह कभी नहीं होगा। उनका जन्म मारे से ब्याह करने के लिए हुआ है। बनी साहब, मैं यहां कैसे? अनीसा, कितनी भोली हो ना तुम, या हद से ज्यादा शातिर। जो घाव हमने तुम्हें दिया उसी जख्म को हथियार बना के तुम हमारे भोले मंगेतर से हमदर्दी पा रही हो। जिससे दूर रहने के लिए हमने तुम्हारी कलाई काटी थी उसी की बाहों में झूल कर तुम यहाँ तक आ गई। अनीसा, अब गलत समझिए, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी माई के पास जाना चाहूँ। आज हमारा ब्याह है, मेरी माई का एक ही सपना है कि हमारा ब्याह हो, जाने दो मुझे। अपनी माई के सपने की बहुत चिंता है तुम्हें, हमारे सपने का क्या? घर जाना है ना तुम्हें, रुको घर भेजते हैं तुम्हें, बड़े घर। हेलो, त्रिशाला बोल रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को वापस यहाँ भेजने की? फौरन हमारे फार्म हाउस पे आओ और इसे यहाँ से लेके जाओ। मैडम आपके मंगेतर ने बेइज्जती है विधि बंसल की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता विधि
क्या नाम कहा तुमने? विधि। बेटा ये आपकी रिपोर्ट्स है ही नहीं, देखिए ना, ये किसी विधि का नाम लिखा है। इस विधि का मरना तो तय। क्या नाम है तुम्हारा? विधि। क्या तुमने ब्लड रिपोर्ट्स करवाई थी मम्मीसा के क्लिनिक में? हाँ बनीसा, पर मारे से कौन सी गलती हो गई? गलती तुझसे नहीं, गलती हमसे हुई है। जो तुझे सजा देने की कोशिश कर रहे थे, हमसे हमारा वीर छीनने की सजा तो जिंदगी तुझे दे रही है। तुझे ब्लड कैंसर है, स्टेज 4। हाँ बेवकूफ, तू ही वो विधि है जिसके साथ हमारी रिपोर्ट्स बदल गई थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, आप पेशेंट को देखने के लिए तैयार। इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू। अरे पगली है तू, ओ लड़की से रिश्ता तोड़ दे। पहले तो ओ लड़की किसी गैर मर्द का कमीज पहनकर सीधा हल्दी में आ गई, अब देखो थाने में पड़ी है, रिश्ता तोड़ दे। तोड़ तो दू कजरी, क्योंकि मारे छोरे को वो छोरी चोखी ना लागे, पर के करूं, रिश्ता तोड़ दूंगी तो मारे को वो घर ना मिलेगा जो ब्याह के बाद ईश्वरी मारे को रहने वाली है। ये बात है। हाँ। देख लेना, शादी तो मैं उसी छोरी से करवाऊंगी, बस एक बार ईश्वरी वो घर मारे नाम लिख दे, फिर देख कैसे मैं घर से और भुवन की जिंदगी दोनों से उस छोरी को बाहर निकालती हूँ। 100 शैतान मरे थे तब तू पैदा हुई थी। 100 नहीं बल्कि 1000 शैतान हैं आपके अंदर, शर्म नहीं आती आपको? ये रही तेरी रिपोर्ट्स। चंद दिनों की मेहमान है तू, और कुछ दिनों बाद ये मेहमान जाएगा ऊपर। कमाल की बात है ना, जिसने हमारी अबीर से डोर काटने की कोशिश की, जिंदगी उसी की डोर काट रही है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। देखो बड़े साहब, मारे फटे में टांग अड़ाने की जरूरत को नहीं, और फिर हम तो एहसान कर रहे हैं ऐसे छोरी से ब्याह करवा के। चरित्रहीन है उस लड़की का चरित्र नहीं, लेकिन आप लोगों की सोच खराब है। तो जो शर्ट उसके पास थी वो हमने उसे दी थी ताकि वो खुद को ढक सके, लेकिन आप जैसे के गंदे लोगों की गंदी सोच को ढकने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं बचा है। किसी भी कीमत पे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे हम। ए लाडू, ये देख थारी वास्ते में ढोला मारू की नरेस लाई, जन्मदिन है ना था, पहन ले, घनी चोखी लगेगी है। अरे मारे काई नहीं, तू सज ले है। लाडू ए के करे, भगवान पानी ऊपर से बरसावे और तू खेल खेल रही है। माई देखने बारिश के पानी में क्या नाव तैर रही है। बुरी से बुरी बात में खुशी कैसे ढूंढ लेती है मारी लाडो है। चल फूक मार। कहा हुआ छोरी, काहे छिकी? काहे नहीं माई, वो बस थोड़ी सी सुई चुप गई। थोड़ी सी सुई चुपी है, खून निकला है तन्ने। तुझे थोड़ा सा खून निकलता है और मेरी कलेजे में कटार लगती है। धीमे छोरी, धीमे लाडू।
सच जानू हूं अंबे मां कि मारे साथ जो कुछ हो रहा है वो थारी मर्जी है। मैं जानू हूं कि मारे पास ज्यादा बकत नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सपने नहीं जलने दूंगी। हमारे पास सिर्फ एक सपना है, हमारी माई का भविष्य। हमें मजबूत बनना होगा और उसके लिए हम ये प्यार नहीं कर सकते। भुवन को नहीं पता कि हमारे को कैंसर है और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसके साथ छल करें। हमारे को शक्ति दे अंबे मां, शक्ति दे।